अष्टावक्र गीता सत्रवा अध्याय। महापंडित ए विद्वान अष्टावक्र की बुद्धिमता से आप सभी लोग परिचित होंगे। जनक की सभा में उन्होंने बंदी से शास्त्रार्थ करके अपनी विद्वता का परिचय दिया था और बंदी को उसके अहंकार के बारे में ज्ञात भी कराया। उन्हीं के द्वारा रचित महागीता का यहाँ सत्रवा अध्याय प्रस्तुत करते हैं। अष्टावक्र कहते हैं उन्होंने ज्ञान और योग का फल प्राप्त कर लिया है, जो सदा संतुष्ट शुद्ध इंद्रियों वाले और एकांत में रमने वाले हैं। तत्व को जानने वाला कभी भी किसी भी बात से इस संसार में दुखी नहीं होता, क्योंकि उस एक ब्रह्म से ही यह संपूर्ण विश्व पूर्णत प्राप्त है। अपनी आत्मा में रमण करने वाला किसी विषय को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता, जैसे कि सलाई के पत्तों से प्रेम करने वाला हाथी नीम के पत्तों को पाकर हर्ष नहीं करता। जिसकी प्राप्त हो चुके भोगों में आसक्ति नहीं है और ना प्राप्त हुए भोगों की इच्छा नहीं है, ऐसा व्यक्ति इस संसार में दुर्लभ है। इस संसार में सांसारिक भोगों की इच्छा वाले भी देखे जाते हैं और मोक्ष की इच्छा वाले भी, पर इन दोनों इच्छाओं से रहे महापुरुष का मिलना दुर्लभ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष जीवन और मृत्यु में उपयोगिता और अनुपयोगिता भी की समता किसी महात्मा में ही होती है, ना विश्व के लीन होने की इच्छा और ना ही इसकी स्थिति से द्वेष। जैसे जीवन है उसी में आनंदित और कृतकृत रहते हैं। इस ज्ञान से कृतार्थ होकर बुद्धि को अंतरहीन करके देखते हुए सुनते हुए स्पर्श करते हुए सूंघते हुए खाते हुए पीते हुए सुख पूर्वक रहते हैं। दृष्टि को शून्य और स्थितियों को इंद्रियों की चेष्टा को नष्ट करके इस अशक्त संसार रूपी सागर से ना तो आशक्ति रखते हैं और ना ही विरक्ति। ना जगता ही है ना ही सोता, ना ही आंखें खोलना या बंद करता है। आहा, उस परम अवस्था में कोई मुक्त चेतना वाला विरला ही रहता है। सदा स्वयं में स्थित सर्वस्त्र इच्छित प्रयोजन वाला समस्त वासनाओं से युक्त समस्त वासनाओं से मुक्त मुक्त पुरुष सर्वस्त्र सुशोभित होता है। देखते हुए सुनते हुए स्पर्श करते हुए सूंघते हुए खाते हुए लेते हुए बोलते हुए चलते हुए इच्छा करते हुए और इच्छा ना करते हुए ऐसा महात्मा मुक्त ही है। ना निंदा करता है ना प्रशंसा करता है ना लेता है ना देता है। इन सब में अनासक्त वह सब प्रकार से मुक्त है। अनुराग युक्त स्त्रियों को देखकर अथवा मृत्यु को उपस्थित देखकर विचलित ना होने वाला स्वयं में स्थित वह महात्मा मुक्त है। धीर पुरुष सुख में दुख में पुरुष में नारी में संपत्ति में और विपत्ति में अंतर ना देखता हुआ सर्वस्त्र समदर्शी होता है। क्षीण सागर वाले पुरुष में ना हिंसा ना ही करुणा ना गर्व ना दीनता ना आश्चर्य और ना शोभ कुछ नहीं होता है। मुक्त पुरुष ना तो विषयों से द्वेष करता है और ना आसक्ति ही उसकी प्राप्ति और अप्राप्ति में सदा समान मन वाला रहता है। संदेह और समाधान एव हित और अहित की कल्पना से परे शून्य चित्त वाला पुरुष कैवल्य ही स्थित रहता है। ममता रहित अहंकार रहित और दृश्य जगत के अस्तित्व रहित होने के निश्चय वाला सभी इच्छाओं से रहित करता हुआ कुछ भी और कुछ नहीं करता है। कोई भी मन की मोह
स्वप्न को जड़ता से रहित, प्रकाश रहित अथवा को प्राप्त कर मन की इच्छाओं से रहित हो जाता है। कोई भी मन की मोह स्वप्न और जड़ता से रहित प्रकाशित अवस्था को प्राप्त कर मन की इच्छाओं से रहित हो जाता है। ऐसा अष्टावक्र का कहा जाता है कि अष्टावक्र द्वारा रचित महागीता का एक एक श्लोक हजार माणिकों की तुलना में भी बहुत अमूल्य है, क्योंकि अष्टावक्र गीता के श्लोकों में गागर में सागर भरने जैसा बताया गया है। लोग हित के लिए गीता बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे पढ़ना और सुनना अवश्य चाहिए। अगर अष्टावक्र गीता से संबंधित किसी भी सलाह सुझाव या शिकायत के लिए आप अपना कीमती विचार कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। इसके अतिरिक्त आप इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। इसका अगला भाग, अगला अध्याय सुनने, देखने, जानने के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।